नमस्कार असीम आरियावर्त में आपका स्वागत है मेरा नाम है गौरव और हम आज बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से क्योंकि एक रिपोर्ट आई है अमेरिका में और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2021 में जो हालात बने थे जिसमें तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्ज़ा किया था उसमें भारत की भी एक किरदार रहा है उस बारे में हम बात करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें इससे मुझे प्रोत्साहन भी मिलती है और साथ में मदद भी मिलती है तो चलिए हम इस बारे में बात करते हैं अब जो रिपोर्ट है वो मैं इस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ सबसे पहले तो आप देख लें कि द वीक मैगजीन में जो हेडलाइन बनाई गई वो इंटरेस्टिंग है अफगानिस्तान इंडिया फंडेड वॉरलॉर्ड्स इंस्टीट ऑफ अफगान गवर्नमेंट से यूएस डॉक्यूमेंट्स तो ये सिगार नाम की रिपोर्ट है अब ये सिगार कौन है तो सिगार असल में एक ऑथोरिटी वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई थी जो कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन तो इनका काम था इन्वेस्टिगेशन करना और ऑडिट करना जो हालात बने थे 2021 में कि अमेरिका के वहाँ जाने के बाद जो तालिबान ने टेक ओवर किया था तो उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वहाँ की जो सरकार और वहाँ की जो सेना रहेगी वो तालिबान को झेल सकेगी या उससे रेजिस्ट कर पाएगी लेकिन आ, उम्मीदों के परे जो है तालिबान ने कुछ एक दिनों में पूरे अफ़गानिस्तान पे ही कब्जा जमा लिया था और जो उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे वो वहाँ से भाग के दुबई शिफ्ट हो गए और सेना तो बिल्कुल ही बिखर गई तो इस रिपोर्ट में एक एक्स अफगान आर्मी जनरल की बात का जिक्र है तो उन्होंने कहा है कि जिनका नाम है जनरल हबीतुल्ला अलीजई उनके मुताबिक भारत के पास जब नूर और दोस्तम दो वहाँ के वार्डस थे वो गए तो भारत ने उनकी मदद की बजाय इसके कि अफग़ानिस्तान की जो नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी मदद करते या फिर अफ़गानिस्तान की सरकार की मदद करते और इ, इस हिसाब से ऐसा लगता है कि भारत पे ही सारा ठीकरा फोड़ने की बात की जा रही है सिगार अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा और अमेरिका भी हमेशा से कोशिश करता रहा है कि उसके जो भी गलत एक्शंस रहें या गलत स्टेप्स रहें वो किसी और के ऊपर थोप दिया जाए और इस वजह से ये पाकिस्तान में रिपोर्ट बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बनी है वहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से भारत ने अपने ही अलाए यानी जो अफगानिस्तान की अशरफ गनी की सरकार है उनको धोखा दिया उनकी मदद नहीं की लेकिन सच्चाई क्या है तो सबसे पहली बात है कि भारत अलाई तो था लेकिन अलाई सिविल वॉर में था स्ट्रैटेजिकली uh, भारत और अफगानिस्तान के गवर्नमेंट में ज़्यादा अलायंस थी नहीं कोई uh, ज़्यादा समझौता नहीं था वहाँ तो अमेरिका का कब्जा था अब भारत का असल जो कनेक्शन था स्ट्रैटेजिक में वो नूर और दोस्तम जैसे वॉरलॉर्ड्स के साथ था और मैं उसको आगे बताऊंगा कि ये दोनों कौन है और क्यों इनके साथ भारत अपना स्ट्रैटेजिक रिश्ता बनाया था तो बात ऐसी है कि मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं अस्सी के दशक में सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पे कब्जा था और उसको हटाने के लिए अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ आए थे और वहाँ पे फिर तालिबान को जैसे लड़ाकों को या मुजाहिद कहा जाता है उनको खड़ा किया गया था जिसको अमेरिका ने फंड किया और हथियार दिए और पाकिस्तान ने उनको अपना अपनी ज़मीन दी और ट्रेनिंग दी थी तो वहाँ पे फिर आ, जो प्रॉक्सी वार हुई और फिर सोवियत यूनियन टूट चुका था तो वो अफगानिस्तान से निकल गए अब इसके साथ ही हुआ क्या कि नब्बे के दशक में वही मुजाहिदों ने तालिबान बनाया और अफग़ानिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया तो ये जो मुजाहिद हैं इसके अगेंस्ट फिर कुछ और ट्राइबल्स जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने फिर नॉर्दर्न अलाइंस बनाई थी ये नब्बे के दशक की मैं बात कर रहा हूँ तो जो भारत का इसमें क्या किरदार रहा है तो तालिबान के अगेंस्ट तो भारत हमेशा से रहा ही है क्योंकि बात ऐसी थी कि मुजाहिद जो थे वो लड़ाके जब सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ युद्ध ख़त्म हुआ था तो पाकिस्तान जो उनको कंट्रोल करता था उनको फंड करता था वो उनको उन लड़ाकों को एक नया काम दिया क्योंकि ये लड़ाके थे इनके पास और कोई काम था नहीं इनको जम्मू कश्मीर भेजा गया इसीलिए नब्बे का जो दशक है वो जम्मू कश्मीर के इतिहास में वन ऑफ द ब्लडियस्ट वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट एरा माना जाता है और ये लड़ाके जिहाद के लिए आतंक के लिए जम्मू कश्मीर भेजे जाते थे पाकिस्तानियों द्वारा और तालिबान इनका समर्थन करता था अब उसके बाद फिर एक नाइनटीन में आपको याद हो एक प्लेन थी इंडियन एयरलाइंस की जिसका नाम था आईसी सी एट वन फोर उसको हाईजैक किया था पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान के आतंकियों द्वारा और ये आप देख सकते हैं वो हाईजैक हैजा, हाईजैक प्लेन जो है अंधार एयरपोर्ट पे उसको पार्क किया गया था और जो यहाँ पे आपको लोग दिख रहे हैं सारे तालिबान के लोग हैं जो इसके प्रोटेक्शन में थे ताकि कोई बाहर से यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस आके इन हाईजैकर्स को मार के हॉस्टेल ना फ्री कर ले लेकिन और इसी वजह से तालिबान ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान उनको सिक्योरिटी दे रहे थे हाई जैकर्स को हाई जैकर्स ने कुछ डिमांड रखे थे अपने साथियों को भारतीय जेलों से छुड़ाने की तो भारतीय सरकार को मानना पड़ा क्योंकि ये सारे जो हॉस्टेल्स थे उनके रिलेटिव बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि उनको फ्री किया जाए तो इस वजह से उन सारे जो जिहादी थे भारतीय जेलों में बंद उनको ले जाके फिर कांडार पे ही एक्सचेंज किया गया और ये जो तालिबान है उनको फिर आगे ले जाके आ, मतलब जो पाकिस्तान छोड़ने भी गए थे स्कॉट जो कहते हैं तो ये सारा सिलसिला चला था उस समय और इसी वजह से भारत जो है वो भी उसे भी कुछ करना था तो भारत ने जो तालिबान के अगेंस्ट लोग खड़े हुए थे जो अलायंस बनी थी वो उनके उनको सपोर्ट करने लगे तो यही नॉर्दर्न अलायंस कही जाती है जो कि आपको नॉर्थ के एरियाज के कुछ ट्राइबल्स थे उनको मिला के बनाई गई थी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है यहाँ पे पश्तून एथनीसिटी के जो लोग हैं उन्हीं में से तालिबान बनी है और जो ये नॉर्दर्न है ये सेंट्रल एशियन एथनीसिटी के लोग हैं उनके द्वारा ये बनाई गई जो जो तालिबान के अगेंस्ट है तो स्ट्रैटेजिक कनेक्शन जो मैंने बात की थी वो इसी कारण बनी थी और ये नब्बे के समय की बात है और इस, इसमें बस भारत ही नहीं बहुत सारे और जो देश थे वो भी नॉर्दर्न अलायंस के साथ ही थे उसमें ईरान टर्की भी है ताजिकिस्तान भी है सारे जो है वो तालिबान के अगेंस्ट इनको सपोर्ट करते थे तो अब जब नाइन अलेवन के बाद अमेरिका वापस अफग़ानिस्तान गया था तो उसके बाद जो है नॉर्दर्न अलायंस को भी गवर्नमेंट में शामिल किया गया था जो गवर्नमेंट अमेरिका ने बनवाई थी अब वाइस प्रेसिडेंसी की जो पोस्ट थी वो इन्हीं नॉर्दर्न अलायंस के ट्राइबल लीडर्स को दी जाती थी उसी में नूर और दोस्तम जो है वो ट्राइबल लीडर्स अफगानिस्तान के सरकार के साथ आए थे अब जब तालिबान आया तो फिर ये भी अपनी तरफ चले गए वापस आ, उसके बाद अमिरुल्ला साले जो एक्स वाइस प्रेसिडेंट है तालिबा सॉरी अफगानिस्तान के उस समय के तो ये फिर इसी नॉर्दर्न अलायंस को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं दो के बाद से यहाँ पे आप देख सकते हैं और फिर से ये तालिबान को रेसिस्ट कर रहे हैं पंजशीर वैली में तो ये फिर से सिलसिला चला आ रहा है तो इसीलिए अब भारत इसमें कहाँ पे है इस समय उस समय नब्बे के दशक में तो हमें पता ही है तो सबसे पहले बात बता दो कि अमेरिका का क्या रोल रहा है जो ये सिगार रिपोर्ट है जिसमें भारत पे ब्लेम डालने की कोशिश की जा रही कि भारत के मैं भारत ने भी इसमें किरदार अदा किया लेकिन अगर आप सही मायनों में देखें तो अमेरिका में एक पूरा मैं आपको ये बता दूं कि ट्रंप ने वादा किया था कि वो अफगानिस्तान से अमेरिकन्स को निकाल लेगा तो वो नेगोशिएशन के तौर पे तालिबान के साथ कतर दोहा में बातें कर रहे थे और इसमें अव... पाकिस्तान भी था इसमें जो चीन और रशिया भी शामिल था भारत को अलग रखा गया था क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता था कि भारत उस टीम का हिस्सा बने उस नेगोशिएशंस का हिस्सा बने तो इसी तरह से स्टेप वाइज जो है वो तालिबान को जो है अमेरिकन अफगानिस्तान हैंडओवर करना चाह रहे थे उसमें बहुत सारे डील्स बहुत सारे पॉइंट्स पे बातें चली थी और बहुत सारे पॉइंट्स ने आपको पता ही होगा कि तालिबान ने रिजेक्ट कर दिए तो उसके बाद जो बाइडेन आए अब जो बाइडेन ने किस तरह से अफगानिस्तान से निकलने की कोशिश की वो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या माहौल रहा था उस समय तो ये आपको याद हो आ, ये प्लेन आ, 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 अमेरिकन एयरपोर्ट का जो वहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा है और उसके आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं बहुत ही बड़ा प्लेन है और ये देखें कि कुछ लोग तो इस पर चढ़ भी रहे हैं ये टेक ऑफ करेगा ये उड़ेगा और लोग इसके आगे पीछे दौड़ रहे हैं इसके अलावा भी जो है एक और वीडियो निकल के सामने आई थी जिसमें जो प्लेन पे चढ़े हुए लोग हैं वो उनको दिखाया गया है और ये प्लेन उड़ जाता है और ये लोग अपने मौत के को गिर जाते हैं तो इसीलिए कोई बच नहीं पाया था ये लोग डेस्परेट थे तालिबान से बाहर निकलने को और उनको और कोई रास्ता दिखा नहीं ये है सार्जेंट वर्गस जो कि एक्स मरीन थे वो उस समय काबुल एयरपोर्ट पे भी थे और ये अभी टेस्टमनी दे रहे हैं क्योंकि जब काबुल एयरपोर्ट पे अमेरिकन्स निकल रहे थे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था जिसमें अमेरिकन भी मरे थे और 200 सौ नागरिक जो थे वो भी मरे थे तो ये पूरा माहौल ही जो था एक कैटिक था कोई कंट्रोल से बाहर हो चुका था और जो बाइडेन की सरकार के ऊपर भी बहुत आलोचना हो रही थी कि किस तरह से जो बाइडेन ने इन सबों के साथ इस इस तरह का पूरा एक विदाउट प्लान डिपार्चर किया है कि अफगानिस्तान की जनता को वो अधूरा छोड़ के गए अकेला छोड़ के गए हैं तो एक बात यह है कि जो रियल अगर कहें जिम्मेदारी ये किसकी बनती है तो ये अमेरिका की बनती है पहले तो अमेरिका खुद ही आया था यहाँ पे बीस साल भी रहा है और बीस सालों में भी जो ट्रेनिंग दे रहे थे अफगानिस्तान के सेना को वो ट्रेनिंग तुरंत ही फेल हो गई और उसके भी कुछ कारण रहे जो मैं बताऊंगा तो ट्रंप के समय में ट्रंप के दौर में वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जिनको स्टेट ऑफ सेक्रेटरी कहा जाता है वो थे माइक पोम्पेओ तो माइक पोम्पियो जो है वो डील कर रहे थे पहले वो सी में भी थे तो ये आपको माइक पोम्पियो हैं इनके इन्होंने एक बुक रिलीज की है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो अफ़ग़ानिस्तान के प्रेसिडेंसी है वो टोटल फ्रॉड थे मतलब ये अशरफ गनी को बिल्कुल ही एक करप्ट लीडर मानते हैं माइक पम् माइक पोम्पियो को नेवर गिव एन इंच नाम के बुक में अब उसमें बताया गया है कि ये जो अफ़ग़ानिस्तान की सरकार थी वो बहुत ही ज़्यादा करप्ट थी वो पावर हंगड़ी थी और पावर को पाने के लिए वो कुछ भी करना चाहती थी इवन अशरफ गनी जो है वो वोटर फ्रॉड में भी सम्मिलित थे उसके साथ ही उनके अपने अलायंस खासकर नॉर्दर्न अलायंस के साथ ही मतभेद होना शुरू हो गया था क्योंकि अमीरुल्ला साले और अशरफ गनी के बीच में नहीं बनती थी जिसपे माइक पोम्पियो ने कहा कि मैंने उनको वार्न किया कि अगर आप में मतभेद ख़त्म नहीं हुआ तो अमेरिकन आपको जो एड मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा तो वो एक बार ख़त्म तो हो गया लेकिन ये सारा कुछ लास्ट में यही दर्शाता है कि किस तरह से अफगानिस्तान का जो पूरा सिस्टम था वो करप्ट था और इस वजह से ही वो अफ़गानिस्तान तालिबान के सामने टिक नहीं पाए अब भारत की जहाँ जहाँ तक बात है तो भारत ने जो नूर और दोस्तम को सपोर्ट किया था वो भी करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल एवरीथिंग एवरी थिंग मेड ऑफ गोल्ड द तालिबान ऑक्युपाई द लग्जरी विला ऑफ मिलिट्री लीडर ऑफ अफ़गानिस्तान एंड आर सरप्राइज व्हाट वॉट सी तो ये तालिबान राशिद दोस्तम जो है जिसकी जो भारत के एक तरह से एलाइड हैं नॉर्दर्न अलायंस के वॉरलॉर्ड उनका घर है जिनके अंदर तालिबान घुसे और ये भी यहाँ से भाग गए और इतनी ज़्यादा यहाँ पे लग्जरी इनको देखने को मिली है वो भी करप्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो ये सारा सिस्टम ही जो था अफ़गानिस्तान का वो करप्ट सिस्टम था तो भारत को भी अब चेंज करने की बात की गई जब तालिबान ने अफग़ानिस्तान पे कब्ज़ा जमाया और भार पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश था उस समय इमरान खान की गवर्नमेंट थी इमरान खान ने तो ये भी कहा था कि अफ़गानिस्तान में तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए और उस समय आई एस आई एस आई के चीफ जो थे वो जनरल फैज़ वो तालिबान के साथ चाय पीने काबुल चले गए थे तो ये सारा मामला चला आ रहा था और भारत भी अफ़ग़ानिस्तान से पूरी तरह से निकल गया था तालिबान के तहत अफगानिस्तान में ये खुशियां मनाई जा रही थी कि फिर से जम्मू कश्मीर में जो जिहाद है जो नब्बे के दशक में आ, भारतीयों ने देखा था वो फिर से चालू हो जाएगा और ये तो कह रहे थे पाकिस्तान में कि जो कश्मीर को भी स्वतंत्र करके हमें देंगे तालिबानी लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ उलट हो गया है तालिबान के लीडर्स जो है वो भारत के लिए एक ऑफ़र लेके आए कि भारत जो भी काम कर रहा था जो भी प्रोजेक्ट कर रहा था उसको वो पूरा करे भारत को प्रोटेक्शन मिलेगी अब तालिबान के द्वारा और भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो ये जब बातें तालिबान के तरफ से की गई तो भारत ने भी अपने तरफ से रिप्लाई दिया और कतर में ही फिर भारत और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातें शुरू हो गई और बाद में भारत के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान के दौरे पे भी गए तो भारत ने यहाँ पे डिप्लो, डिप्लोमेटिक जो है वो गेम खेलना शुरू कर दिया और इसका कारण ये था कि वो पाकिस्तान को कंट्रोल कर सके पाकिस्तान चाहता था कि फिर से जिहाद आ, आ, जम्मू कश्मीर में शुरू हो या भारत के ख़िलाफ़ ही शुरू हुआ तो उसी को स्टॉप करने के लिए इस बार नॉर्दर्न अलायंस का सहारा ना लेके डायरेक्टली अब तालिबान का ही भारत तालिबान के साथ ही नेगोशिएट कर रहा है तो भारत तालिबान के लिए या अफगानिस्तान के लिए एड भी भेजता है कुछ आ, आ, मतलब मटेरियल भी भेजता है गेहूँ भेजता है मेडिक्स भेजता है सब इस तरह की चीज़ें भेजा करता है ईरान के तरफ से चाबहार के तरफ से तो उसके बाद साथ में कुछ पैसे भी भेजे जा रहे हैं इस वजह से हुआ है क्या कि अब पाकिस्तान में ही आतंकी घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा शुरू हो गई खासकर जो पाकिस्तान तालिबान है उन्होंने तो वॉर ही डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान तो ये उल्टा एक जो कहें उल्टा उल्टी धारा बहने लगी है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसीलिए जो है भारत अब इसको और ज़्यादा उभारने की कोशिश कर रहा है और रशिया में अफ़ग़ानिस्तान को लेके एक कॉन्फ्रेंस निकाली गई थी जिसमें वहाँ के जो देश हैं अफ़गानिस्तान के आस पड़ोस के जो भी देश हैं उनको बुलाया गया था उसमें भारत भी आया था और उसमें पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था आना क्योंकि भारत वहाँ पे शामिल था यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान स्किप्स रशिया होस्टेड मल्टी टॉक्स ऑन अफगानिस्तान तो इस तरह से अब जो है भारत है वो पूरी तरह से कंट्रोल करने लगा है इस सारे डील को इस सारे नेगोशिएशंस को इवन दो कि अमेरिका ने भी भारत को अलग रखा था पाकिस्तान में तो ज़रूर अलग रखा था तो अब ये सारा जो सिलसिला है ये देखने में यही लगता है कि किस तरह से भारत अपना गेम खेल रहा है बजाय इसके कि एक वीक सरकार को वो मदद करता जो कि इवेंचुअली uh, या इनोवेटिवली uh, गिरने ही वाली थी तो उसके बदले भारत ने अपनी तरफ से गेम खेलना शुरू कर दिया अब अफ़गानिस्तान में जो भी हो रहा है उससे हमें क्या मतलब है? वो जो करे लेकिन लेकिन अगर भारत के ख़िलाफ़ वो साजिशें करते हैं तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम होगी अभी तो अफगान तालिबान जो है वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर दिया है तो इस वजह से लगता है कि भारत की डिप्लोमेसी सक्सीड कर रही है तो ये सारा मामला है जो रियलिटी है रिपोर्ट के अगेंस्ट जो बातें हैं वो मैंने आपके सामने रखी आपको मेरी बातें कैसे लगे अपने विचार मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे लिख के बताएं साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को लाइक करे, करें बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगली बार फिर मिलते हैं तब तक के लिए नमस्ते जय हिंद